सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल की नई सब्जी मंडी में 52 नवनिर्मित दुकानों का किया उद्घाटन। जनता को संबोधित करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मंडियों में धान की खरीद को लेकर बोले सीएम खट्टर, एक तारीख से शुरू होगी धान की खरीद। हाल में हुई बारिश के चलते जल्द शुरू नहीं हो पाई खरीद। सीएम ने आईटीआई चौक पर नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम कला संगम प्रतिस्पर्धा का भी किया शुभारंभ। बच्चों को दी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में सेक्टर 9A थाना क्षेत्र के बसई गांव में युवक की हत्या। लोकेश कटारिया बताया जा रहा है मृतक का नाम। परिजनों ने हत्या के मामले में फरार चल रहे दो युवकों पर लगाया आरोप। फाइनेंस और पानी सप्लाई का काम करता था लोकेश कटारिया। वारदात के वक्त अपने एक साथी के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुरुग्राम में महिला वकील पर दबंगों का कहर। वकील की घर में घुसकर की पिटाई। घायल महिला वकील अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामूली कहासुनी को लेकर हुई महिला वकील की पिटाई। शनिवार देर रात की है घटना। सदर इलाके का है मामला। रोहतक में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी। नेशनल हाईवे पर टैक्स नहीं भरने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई। 50 बसों का काटा गया चालान। हरियाणा से बाहर की निजी लग्जरी बसों का काटा गया चालान। लाखों रुपए के टैक्स की पकड़ी गई चोरी। पानीपत में दशहरा उत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा आया सामने। करंट लगने से 13 साल के बच्चे की हुई मौत। देवी मंदिर में रावण दहन देखने गया था बच्चा। मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस।